Hey guys, this is me, MRINMOY, KARMAKAR, and you are watching your all new YouTube channel, The Untold Mac. So guys, आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हमारी मिशन JNU 2021 की तीसरी सबसे हॉटेस्ट वीडियो होने वाली है ये, तो प्लीज सबसे पहले ही लाइक बटन दबा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ सीट्स इन JNU. ओके, JNU में कितनी सीट्स होती है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन 2021. हाँ जी, JNU में इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है और तुम्हारी सीट्स कितनी होने वाली है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वीडियो के दूसरे पार्ट में होने वाला है, जहां मैं तुम्हें ब्रो टू ब्रो बताऊंगा चार ऐसी गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक, अगर वो तुमने पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर ली ना, तो तुम्हारी JNU में ऑफिशियली स्टूडेंट बनने की टैग तुमसे कोई नहीं छीन सकता. तुम अगर मेरे भाई या मेरी बहन या कोई भी इंसान देख रहे हो जो मुझे एज अ ब्रो समझते हो ना, तो तुम्हारा भाई तुम्हें लेके जाएगा ऑफिशियली JNU तक एज अ स्टूडेंट बना के. ओके, सो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें स्टडी मटेरियल, नोट्स, फ्री क्लासेस, मेरी फ्री पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, तो प्लीज जाके हमें नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहां जाके ऑफिशियल ID पे मुझे टेक्स्ट करो, वहां से मैं लूंगा तुम्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे मैं तुम्हारे ब्रो टू ब्रो पर्सनली असिस्ट करूंगा. अभी तक मैंने 200 से ज्यादा बच्चे मेरे अंडर में ऑलरेडी आ चुके हैं, बच्चे नहीं, मेरे भाई लोग आ चुके हैं, मेरे से जुड़ चुके भाई बहन सब कोई. ओके, सो तुम भी आओ, जुड़ो, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर माई पर्सनल असिस्टेंट. तो हमें भी ग्रो कराओ ताकि हम भी तुम्हें ग्रो करने में मदद करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब अपने कान को खुले रखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहली पार्ट, जिस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बांटी है, जिस अगले पार्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और चार गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको फॉलो कर तुमने किया ना, तो तुम्हारा भाई तुम्हें गारंटी देता है कि मैं तुम्हें JNU तक पहुंचाऊंगा. ओके, क्योंकि भाई है तुम्हारा यार, ब्रो टू ब्रो बात करता हूं. ओके, तो अब मेरे हाथ में है JNU की ऑफिशियल रिपोर्ट, कुछ ऑफिशियल नेट से उठाई हुई, मैंने नेट से चेपी है, मैं साफ बोलता हूं, ये चीज तो मैंने नेट से उठाई है, डेटा तो मेरा खुद का है, मैं खुद तो बनाता हूं नहीं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. तो अब मैं बात करता हूं तुम्हारी नंबर ऑफ सीट्स कितने होने वाली है. नंबर ऑफ सीट्स में सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो है तुम्हारी फ्रेंच. फ्रेंच में होने वाली है 48 सीट्स. हां जी, तशरीफ मत फट गई होगी तुम्हारी सुन के, कि जिन लोगों को नहीं पता होगा, इतने कम सीट्स, सिर्फ 48 सीट्स, भैया क्या बोल रहे हो आप, इतने कम सीट में कैसे होगा हमारा एडमिशन, है इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं. भाई रुको, भाई तुम्हारा टिप बता रहा है ना कि तुम्हें कैसे एडमिशन लेना है, ब्रो है, योर ब्रो इज हेयर. बहुत कम सीट्स होती है JNU में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होती है. ओके, लेकिन योर ब्रो इज हेयर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. देखो प्रमोशन में करते रहता हूँ बीच बीच में. उसके बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी, मतलब जर्मन के लिए भी तुम्हारे 48 सीट्स ही है, फ्रेंच जर्मन दोनों के लिए 48 सीट्स है. उसके बाद आते हैं रशियन, रशियन के लिए JNU में सबसे ज्यादा सीट्स है, जिसका है 68 सीट्स, सबसे ज्यादा है. कमाल करते हो भाई, 68 सीट्स रखते हो, उसको बोलते हो ज्यादा है, क्या कर सकते हैं. JNU है इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इतने लाखों के बच्चे आते हैं, फिर भी इनका एडमिशन होता है यहीं पर, तो सोच रहे हो ना भाई 68 सीट्स है, कॉम्पिटिशन कितनी टफ है समझ रहे हो तुम. 39 सीट्स है सिर्फ स्पैनिश में, अगर तुम्हें स्पैनिश करना चाहते हो तुम्हारे लिए सिर्फ 39 सीट्स है. उसके बाद बात करते हैं कि जापानीज में कितनी सीट्स है, जापानीज में 48 सीट्स है, अगेन फ्रेंच और जर्मन की तरह 48 सीट्स. कोरियन, हाँ जी, कोरियन वालों जो BTS के फैन है, शाउट आउट दे रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी BTS के फैन है, 39 सीट्स है ब्रो, 39 सीट्स है कोरियन के लिए. उसके बाद तुम्हारी चाइनीज आती है, चाइनीज के लिए रहती है तुम्हारी 44 सीट्स. उसके बाद आती है तुम्हारी पर्शियन, पर्शियन के लिए रहती है तुम्हारी 39 सीट्स. पश्तून, पश्तून के लिए सबसे कम सीट्स है, सुन के हिल जाओगे, सिर्फ 19 सीट्स होती है JNU पर्शियन के लिए, सिर्फ 19. उसके बाद बात करते हैं तुम्हारी लास्ट आती है अरेबिक, अरेबिक में रहती है 39 सीट्स. ओके, तो ये थी कुछ फैक्चुअल बातें, ये कुछ थी डेटा जिससे ये बताती है कि तुम्हारी सीट्स JNU में कितनी लिमिटेड है सारी लैंग्वेजेस के लिए. ये है तुम्हारी ओरिजिनल सीट्स, इसी के आसपास तुम्हारी सीट्स रहेंगी, एक दो ऊपर नीचे, मेनली बढ़ेगी एक दो सीट्स. ओके, बट इतने ही लिमिटेड सीट्स रहेंगे. अब चलते हैं वीडियो के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. पहले तो तुमने ये सुन लिया कि सीट्स कितने कम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है भैया कि इतने कम सीट्स में भी एडमिशन ले. तो भाई अब मैं बात करने वाला हूं मोस्ट अवेटेड चीज के बारे में, चार ऐसी गोल्डन टेक्निक, चार ऐसी गोल्डन टिप्स, जिसको जान के तुम आराम से श्योर श्योर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी JNU में एडमिशन फिक्स ही होगी. और कोई चैनल वाले ये सारी चीजें तुम्हें नहीं बताने वाले, टिप्स एंड ट्रिक्स, तुम्हें पता है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पर तुम्हें बोलते हैं चार घंटे पढ़ाई करनी है, ये वो, तुम्हारी चूतिया काटी जाती है अच्छी तरीके से. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट करो ताकि मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये सारी चीजें लाता रहूं यार. सबसे पहली टिप जो होने वाली है, कान खुले रखना, सुनना, मेरे हाथ में मेरी खुद की बनाई हुई ऑफिशियल डेटा, ये मैंने इंटरनेट से नहीं चेपा, मैं हर कुछ इंटरनेट से नहीं चेपता हूं. तो सबसे पहली टिप जो होने वाली है वो होने वाला है, डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट्स. हाँ जी, अपनी प्रिपरेशन को कभी भी स्टडी, जो भी तुम करते हो, जो भी जिस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी, उसको कभी भी सीट्स के अकॉर्डिंग मत करना. अगर तुम सीट्स के अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हारे लग जाएंगे, क्योंकि सीट्स जो होते हैं JNU में काफी लिमिटेड होते हैं. ओके, अब बताता हूं कि मैं तुम्हें क्या चीजें ध्यान में रखनी है. देखो JNU की जो फॉर्म होती है, मैं क्यों बोल रहा हूँ सीट्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, JNU की जो फॉर्म होती है उसमें लाखों बच्चे फिल करते हैं, मतलब मोर देन थाउजेंड 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 बच्चे फिल करते ही है, क्योंकि JNU की फॉर्म की प्राइस कुछ होती नहीं, इतनी सस्ती होती है.
होती है, जो रिजर्व कैंडिडेट वाले स्टूडेंट रहते हैं वो ऑलमोस्ट फेल करते ही करते हैं, और सीट्स इतने कम है, तुम्हें लगता है कि इतने कम सीट्स हैं और इतने ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उसमें, कुछ ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले लोग ऐसे होते हैं जो एवी भर देते हैं क्योंकि फीस कुछ वगैरह होती नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली तो भर देते हैं, और जेएनयू एक ब्रांड भी है, सबको जाना है, लेकिन जो शिद्दत से पढ़ते हैं ना वही इस एग्जामिनेशन को निकाल पाते हैं, लिख के ले लो। तो डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट्स, फॉर्म की दाम की कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग भर देते हैं इस एग्जामिनेशन को, ओके, लेकिन निकलता घंटा किसी से नहीं है, कुछ ही लोग, कुछ ही इंसान हमारे कम्युनिटी वाले लोग निकालेंगे ना भाई, नीचे लिखो कमेंट में निकालोगे कि नहीं, लाइक बटन दबाना ज़रूर। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी नंबर वाली टिप है, पहली नंबर वाली याद रखना कि डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट्स, अपनी पढ़ाई जारी रखो, तुम्हें बस स्कोर करना है, सीट्स को देख के मत पढ़ना, अगर सीट्स को देख के पढ़ोगे तो तुम लिटरली डीमोटिवेटेड हो जाओगे, ओके। अब दूसरी टिप आओ, हे गाइस, अब जो मैं दूसरी नंबर वाली टिप बोलने वाला हूँ ना, ये जो टिप है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टिप है, मैं इस अपने टिप में अपनी जो पहली टिप दी है कि डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट्स, उसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, मैंने उसी बात को काटूंगा, और ये मेरी दूसरी टिप भी होगी। हाँ जी, मैं तुमसे बोलने वाला हूँ कि एवरी ईयर जेएनयू इंक्रीजेस इट्स सीट्स, हाँ जी, हर साल जेएनयू अपनी सीट्स बढ़ाती है। अभी मैंने बोला जेएनयू के पास लिमिटेड सीट्स होती है, बट अब मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ कि तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो आप, अभी ने अपने बोला कि सीट्स कम होती है, आप बोल रहे हो जेएनयू सीट्स इंक्रीज करती है। हाँ जी, सुनो क्यों कैसे काम करता है, मैं बताता हूं, ये बातें अपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज कि किसी भी, अगर पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, सपोज तुम जापनीज ले लो, या ठीक है ना, तो जापनीज का मान लो कि जापनीज की जो इस साल तुम्हारी आई है कट ऑफ, वो आई है 80, ओके, 100 में से 80 नंबर की तुम्हारी आई है कट ऑफ जापनीज की, अगर तुम्हें जापनीज लेनी है, और सीट्स है तुम्हारे 40 तुम्हारे सीट्स है और कट ऑफ 80 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर किया वो 50 है, तो जेएनयू ऐसा नहीं है कि 40 बच्चों को ही एडमिशन देगा और बाकी के 10 बच्चों को बोलेगा तुम बड़े लेट से अप्लाई किए हो, तुम जाओ यहाँ से निकलो, जो बंदा जल्दी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेगा उन्हें पहले दे देगा, नहीं, जेएनयू उन सभी बच्चों को एडमिशन देगा पहले जिन्होंने 40 से ज़्यादा स्कोर करा है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ सीट्स, चाहे तुम्हारा सीट्स कितना भी हो, तुम्हें बस कट ऑफ को क्लियर करना है, जस्ट जैसे ही तुमने कट ऑफ को क्लियर करा, नो मैटर वॉट, कितने भी सीट्स हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी जेएनयू में एडमिशन हो जाएगी, ओके। तो ध्यान में रखो हमेशा अपनी पिछले साल की कट ऑफ को इंटरनेट से उठाओ, मिल जाएगी काफ़ी सारी, अगर तुम्हें नहीं मिलती है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हें सब कुछ देगा ना, तुम्हें मैं पिछले साल की कट ऑफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट्स चाहे कितना भी हो, तुम्हें जेएनयू एडमिशन ज़रूर देगी अगर तुम कट ऑफ क्लियर करोगे, अगर 100 बच्चे भी कट ऑफ क्लियर करते हैं ना, सीट्स मात्र 30 भी होती है, तो भी जेएनयू 70 के 70 बच्चों को एडमिशन लेगी, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद भी एडमिशन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनका किसी और कॉलेज में जाने का इच्छा होता है या कोई भी रीज़न से, तो भी सीट्स जो क्लोज हो जाती है वो खुल जाती है। तो अपना होप कभी नहीं छोड़ना है, ये बात को ध्यान में रखना है, और बस तुम्हें स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारी थी दूसरी नंबर टिप, अब बढ़ते हैं तीसरी नंबर। अब भाई सुनो, अब जो तीसरी नंबर वाली टिप है ना, यही इस वीडियो की जो सेकंड टाइटल थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उससे मैच करती है। अब बताता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे। तीसरी नंबर वाली टिप हमारी ये कहती है, गोल्डन टिप है, ध्यान से सुनो, कि Try to score more marks than previous year cut off. हाँ जी, अब बात करते हैं कि previous year के cut off से ज़्यादा marks करने का score करो कैसे, ये बहुत golden होने वाला है, दिमाग में रख लो। अगर तुम्हें अपनी JNU में अपनी admission fix करनी है, let's suppose कि तुम्हें किसी भी तरीके से कोरियन चाहिए, अब कोरियन के example लेते हैं, जितने भी BTS वाले fans हैं ना, अलर्ट हो जाओ। अब suppose कि तुम्हें कोरियन के में admission लेनी है, और कोरियन की पिछले साल cut off गई थी 80, ठीक है ना, अब फिर से 80 example लेते हैं, तो तुम्हें कोरियन की last year के cut off को ध्यान में रखना है, और तुम्हें ये ध्यान में ना है कि चाहे कुछ हो जाए, एग्जाम तो कॉमन होगी, ऐसा नहीं कि कोरिया से क्वेश्चन अलग आने वाला है और जिसमें तुमने अप्लाई करा, एग्जाम तो सारे लैंग्वेज के लिए होगी, तो तुम्हें बस इतना ध्यान में रखना है, तुम्हें 100 में से कैसे भी मिनिमम 5 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं, मतलब मिनिमम पिछले साल जो भी लैंग्वेज रही हो, जो भी तुम लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हो, उसके कट ऑफ को पिछले साल की उठाओ और उसमें से मिनिमम 5 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने का सोचो। मतलब कि अगर 80 कट ऑफ थी, तो तुम अपने दिमाग में ये रखो, मुझे कैसे भी 100 में से 85 लाना है, मेरे अगर मार्क्स कटने चाहिए तो मैक्स टू मैक्स 15। क्योंकि अब बता रहा हूं कि जेएनयू हर साल अपनी कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत करती है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस साल 1-2 मार्क्स तुम्हारे ऊपर जाने वाली है, क्योंकि पिछले के पिछले साल भी ऊपर गई थी, और पिछले साल भी ऊपर गई थी थोड़ी उससे पहले की ईयर की। अगर इस साल 1-2 मार्क्स ऊपर भी जाते हैं तो तुम बहुत सेफ साइड में रहोगे, कट ऑफ के पता होने की वजह से, कट ऑफ का आइडिया होने की वजह से तुम्हें सब कुछ पहले से पता है कि सिर्फ तुम्हें 5 मार्क्स, अगर तुमने मिनिमम 5 मार्क्स का तुमने अगर सरप्लस बना के रखा ना, अगर 80 से कम गया तो तुम वैसे भी मतलब सेफ जोन में हो, लेकिन अगर 80 से
दो मार्क्स बढ़ता भी है तो तुम्हारी वैसे भी हो जानी है, तो तुम्हें पहले से अंदाजा हो जाएगा, पहले से तुम प्रिडिक्शन लगा पाओगे कि तुम्हें चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी कम स्कोर हो जाए, तुम्हें मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बस कट ऑफ पिछले का देखो, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, कोई भी लैंग्वेज फलाना तुम्हें लेनी हो उसका पुराना देखो कट ऑफ कितना था, कट ऑफ नहीं है तो हमें डीएम करो, तुम्हारा भाई तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर कट ऑफ में, या तुम भी अंदाजा लगा सकते हो, जो पिछले साल की कट ऑफ आई थी उसमें 5 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लो। अगर पिछले साल किसी लैंग्वेज में 60 आई थी तो दिमाग में रखो मुझे कैसे भी इस बार 65 लाना है उस फलाना लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए, और तुम्हारी एडमिशन फिक्स हो गई, तुम्हें जेएनयू जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये तुम्हारे भाई का गारंटी है। अब बढ़ते हैं चौथे टिप पे। बस अब आ गया है तुम्हारा चौथा और सबसे आखिरी टिप्स एंड ट्रिक। भाई इतना मजा आ रहा है ना मुझे, आई गेस तुम्हें अगर 3 टिप्स सुन के अगर तुम्हें मजा आया हो ना, और 3 टिप तुम्हें सच्ची में फ्रूटफुल लगी हो, तो नीचे जाके कमेंट में यार कमेंट करो, हमारी रीच और एंगेजमेंट को बढ़ाओ यार, अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करो, रिसर्च करिए, मेहनत लगता है भाई इन सब चीजों को खोजने में, दिमाग से आता है, इंटरनेट से छाप के नहीं। ओके, चौथी टिप जो अकेली, ये चौथी टिप ऐसी है ना जो अकेले तुम्हें जेएनयू में एडमिशन दिला जाएगी। ओके, तो चौथी टिप मेरी ये है उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेएनयू के लिए पागल है, जिन्हें जेएनयू में एडमिशन लेना है, जिन्हें जेएनयू के आगे कुछ भी नहीं दिखता है, जेएनयू, मतलब मेरे पास भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नो मैटर व्हाट कोई भी लैंग्वेज हो, नो मैटर व्हाट कितनी भी सीट हो, उन्हें बस किसी भी तरीके से जेएनयू में सीट फिक्स करनी है, तो तुम जरूर कर पाओगे। बस इस टिप को ध्यान से सुनो कि ट्राई टू स्कोर या ट्राई टू टेक दोज लैंग्वेजेस हुज कट ऑफ आर ऑलवेज लो एंड सीट्स आर ऑलवेज हाई। हाँ जी, ऐसे सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे सब्जेक्ट चुनो अपनी फॉर्म में जिसकी कट ऑफ जो होती है वो काफ़ी कम जाती है और सीट्स ज़्यादा होती है, ऐसे कोई लैंग्वेज को अपनी फॉर्म में ज़रूर भरना। और इस फॉर्म से अगर इस फॉर्म में अगर तुम इस लैंग्वेज को भरोगे ना इस तरीके के, तो तुम्हें जेएनयू में 100% एडमिशन दिलाएगी, और वो जो तुम्हारी डेडिकेशन है ना जेएनयू के लिए, जो प्यार है ना, तुम्हें लिटरली वो जेएनयू लेके जाएगी। ओके, अब पूछोगे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी बता देगा तेरा भाई, यार टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, लैंग्वेज तुम्हारी होने वाली है एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती है, मैंने अभी बताया वो है रशियन। रशियन तुम भर सकते हो अपने फॉर्म में क्योंकि रशियन की सीट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि रशियन की कट ऑफ कितनी भी ज़्यादा हाई हो, ऑल तो मॉडरेट रहती है, बट अगर हाई भी जाए तो तुम्हारे चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि रशियन की सबसे ज़्यादा सीट्स होती है। ओके, और दूसरी ऐसी सब्जेक्ट जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाती है वो होती है तुम्हारी पर्शियन या फिर अरेबिक, ठीक है ना, पर्शियन अरेबिक या पश्तून में से, मेनली तुम्हारी जो पर्शियन और पश्तून लैंग्वेज होती है ना इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो काफी बच्चे जेएनयू में सिर्फ एडमिशन लेने के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, सच्ची बात बता रहा हूं, जेएनयू में सिर्फ एडमिशन लेने के लिए पर्शियन या फिर पश्तून भर देते हैं अपने फॉर्म में क्योंकि उसकी कट ऑफ कम जाती है, तो उसमें एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर तुम ऐसे कैटेगरी से आते हो, अगर तुम्हें बस लेना ही है, ऑल दो पर्शियन एंड पश्तून काफ़ी अच्छे लैंग्वेज है जिन्होंने सच्ची लेना ये लैंग्वेज, वो तो लिटरली ऑप्ट कर ही सकते हैं, बट एडमिशन लेने के लिए फॉर अ सेफ साइड तुम ये फॉर्म में भर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी चार गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक जो तुम्हें लिटरली में जेएनयू में एडमिशन दिला के रहेगी फॉर श्योर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि तुम्हें ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और मेरे पर्सनल असिस्टेंस या गाइडेंस के लिए जाओ, नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, इनरोल करो, मुझे डीएम करो, फॉलो करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऑलवेज है। आई लव यू गाइज़।